BA Science सुमन के तमाम तलबा और तालिबात, हम पढ़ रहे थे नफ्सियाती तनखी। दबिस्तान के इस तनखीब में हम देख रहे थे नफ्सियाती तनखीब में, जहां फ्राइड एडगर एडलर जोन जैसे मगरबी तनखीद निगारों ने नफ्सियाती तनखीद को अपनाया, उन पर अपने ख्यालात का इजहार किया और इस दबिस्तान में उनके अहम कारनामे रहे, जिसमें हमने फ्राइड के जो तीन अहम जहन के हिस्से हैं, शऊर लाशऊर तहत शऊर का जिक्र किया, उसके बाद जोन का एहसास के बारे में जिक्र किया कि मैं किस तरीके से। चलिए आज हम उसके आगे देखते हैं कि शख्सी मुहरकात का पता लगाने से नफ्सियात का इल्म आजीज है, वो ये नहीं बता सकता कि किसी अदबपारी की क्या कदर कीमत है, इसमें क्या खूबी या खराबी है और अदब में क्या इसका क्या मकाम है। नफ्सियाती तनखीद सिर्फ दो काम कर सकती है, वो कौन से दो काम है जो कर सकती है, तो कहा यह गया है, अव्वल तो ये कि किसी तख्लीक के वजूद में आने के दाखिली अजबाब को मुहरकात का पता लगाए, दूसरा ये कि फनकार ने जो अलामतें इश्तियारे और तशबीहें इस्तेमाल की है या जिन फनी तदाबीर से काम लिया है, इनका नफ्सियाती तज्ज़िया करके फनकार के जहन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करे। देखिए इसमें दो काम कहा गया, एक काम तो ये कि जो तख्लीक वजूद में आई है, जो अदब पारा तैयार हुआ है, उसके अजबाब व मुहरका का पता लगा सकती है। नंबर दो कहा गया है कि फनकार ने जो अलामतें इस्तियारे वो तजबीहात जो इस्तेमाल किए, उन तमाम जिसको हम कह सकते हैं इल्मी उरूस, इल्मी उरूस की जो बातों का जो इस्तेमाल इल्म का किया गया है, उससे वो तख्लीक़कार के जहन तक रिसाई हासिल कर सकते हैं। ये दो काम नफ्सियाती तनखीद में मुमकिन है, या ये दो काम नफ्सियाती तनखीद से बेहतर तरीके से हो सकता है। नंबर एक है कि जो भी अदब या फनपारा तख्लीक पाया है, उसकी क्या अजबा, किन किन वजूहात की बिना पर ये अदब पारा तनखीद पाया, तख्लीक पाया है या वजूद में आया है, इसका पता लगाने के लिए सबसे जो अहम और सबसे ज़रूरी दबिस्तान कहलाएगा वो नफ्सियाती तनखीद है। इसके अलावा और ऐसे कौन से मुहरका थे, ऐसे कौन से अनासिब थे जिसकी वजह से वो तख्लीक़कार ने फनपारा तख्लीक दिया है, इसकी वजूहत भी एक नफ्सियाती तनखीद करती है कि भाई ऐसा कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से तख्लीक कर ये फनपारा तख्लीक करने पर मजबूर हुआ, इसका पता नफ्सियाती तनखीद से होता है। और दूसरा इल्मे उरूस का मतलब ये है कि इसमें इल्मे बयान में जो ख़ास कर होता है तशबीह है, इस्तियारा है और मजाज मुर्सिल है, और इसके अलावा तजबीहात इस्तियारात अलामतों का जो इस्तेमाल होता है वो क्यों इस्तेमाल किया गया या किस तरीके से किया, ये इसको समझकर वो फनकार की तख्लीक़कार के जहन तक रिसाई हासिल करने का काम नफ्सियाती तनखीद
करता है। ये दो काम नफ्सियाती तनखीद से मुमकिन है। फिर कहा गया है कि गोया नफ्सियाती तनखीद का मैदान तंग है, वो ज़रूरी नहीं कि वो इस मखसूस मैदान में भी कामयाब हो और सही नतायज बरामद करे। मौजूदा ज़माने में नफ्सियात ने बहुत तरक्की की और इसे साइंस कहा जाता है, लेकिन इसे साइंस तस्लीम के कर लिया जाए तो भी ये मानना पड़ेगा कि ये नाकिस साइंस है और इसमें इस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसा कहा गया है कि भाई नफ्सियात को आज बहुत तरक्की कर लिया, इसको साइकोलॉजी को क्या कहा गया, आज एक साइंस का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये नाकिस साइंस है, मतलब मुकम्मल साइंस नहीं है। जिस तरीके से दूसरे जो साइंसी शाखे हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वैसा साइकोलॉजी में नफ्सियात में साइंस को मुकम्मल तरीके से साइंस नहीं कहा जा सकता, या उसका जो नतायज आते हैं उस पर मुकम्मल तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये एक कुछ वजूहत है जिसकी वजह से नफ्सियाती तनखीद को कामयाबी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बातों को ख़ास यहाँ पर जहन रखना, जहन नशीन करना होता है कि इसके जो नतायज हासिल होते हैं उस पर मुकम्मल तरीके से 100% उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? तो जहन को पढ़ना और उस पर समझना बहुत मुश्किल काम है, और ये एक गिने चुने या बहुत ही महारत रखने वाले ही लोग इसको सही तरीके से और मुकम्मल तरीके से इसको अमल में ला सकते हैं, वरना हाँ इस तक इसके सही नतायज तक ऐसा हासिल करना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कामयाब कौन है? तो भरपूरा कामयाब तनखीद वो है जो किसी अदबी व फनी कारनामे को किसी एक ऐनक और किसी मखसूस जावे से ना देखे, जितने वसायल और जितने तरीके मुमकिन है इन सबको इस्तेमाल करे, वो इक्तसादी रवाबित से गुजर कर फन पारे तक पहुँचे, माशरती और सियासी माहौल के वास्ते से इसे समझने की कोशिश करे। फलसफा जहाँ की ऐनक से इसे देखे, लेकिन ये भी ना भूले कि फनकार के बातिन से गुजरे बगैर भी फन पारे तक रसाई मुमकिन नहीं। ये आखिरी रास्ता बरहाल इल्म नफ्सियात और तहलील नफ्सी से होकर गुजरेगा। ये रास्ता बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज है, और इस पर से गुजरना बहरहाल ज़रूरी है। इस पर से गुजरते हुए तनखीद निगार को अपने हवास बेदार रखने होंगे, यहाँ ज़रा सी लफ्ज़ तनखीद निगार को भटका देने के लिए काफ़ी है। देखिए कहा यह गया है कि जो नफ्सियाती तनखीद है इसमें इतना ही बारीक यानी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो किस तरीके से? तो कहा यह गया है कि जो नफ्सियात है और तहलील नफ्सी है, इसको समझना और इसको परखना और इस पर सही नतायज अक्स करना बहुत बारीकी के काम है, बहुत मेहनत और लगन के साथ साथ बहुत ज़्यादा तजुर्बे और मुशाहदे की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बिल्कुल एकदम बारीक बाल से बारीक और तलवार से तेज वाला के लिए ये रास्ता है जिसको गुजरने के लिए नक्शा का पहले नक्शी का इस्तेमाल करना होता है, और ये हर एक के लिए मुमकिन नहीं कि उस रास्ते से गुजर पाए। ज़रा सी भी अगर यहाँ पर अगर लफ्ज़िश हो जाती है, मतलब जानिबदाराना रवैया आ जाता है, तो वहाँ तनखीद जो है वो तनखीद नहीं रहती, बल्कि या तो किसी की हुजू बन जाती है या फिर किसी के का खसीदा बन जाती है। अगर किसी के साइड तरफदारी ले लेते हैं तो वो खसीदा की तरफ वाकिफ हो जाएगा, अगर किसी को नफरत या ऐसा से कमतरी के ज़रिए से अगर देखा जाए तो फिर ये क्या हो जाती है, उसकी तजहीक हो जाती है। तो इस बात पे भी खास ख्याल रखना होता है। अंग्रेज़ी में आई.ए. रिचर्ड्स और आर्डन वगैरह ने नफ्सियाती तनखीद के अच्छे नमूने पेश किए, लेकिन उर्दू में खालिस नफ्सियाती तनखीद के नमूने कमयाब है। मतलब ये है कि जैसा अंग्रेज़ी में हमने देखा है कि इन माहिरीन के अलावा आई ए
आई ए रिचर्डसन ने और ऑर्डर इन मगरबी तनखीद निगारों ने नफ्सियाती तनखीद में बहुत अच्छा काम किया है और नफ्सियाती तनखीद के अच्छे नमूने हमें इनके पास देखने मिल जाते हैं। लेकिन जब मशरिक की बात आती है तो वहाँ पर इस नफ्सियाती तनखीद के जो मामला है, जो नफ्सियाती तनखीद के नमूने, वो थोड़ा यहाँ पर कम हो जाते हैं या इस पर समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम बात करें अगर मशरिकी तनखीद निगारों की, तो वहीदुद्दीन सलीम ने कुछ तनखीदी मजामीन भी लिखे हैं जो इफादात सलीम के नाम से शाये हुए हैं। वहीदुद्दीन सलीम, इन्होंने जो तनखीद नफ्सियाती तनखीद पे लिखे, तनखीदी बात लिखे, वो इफादात सलीम के नाम से शाये हुए। लेकिन इनमें से चंद मजामीन में नफ्सियाती रुझानात की निशानदेही की जा सकती है। इन मजामीन में हमारे शायरों की नफ्सियात, तलमीहात और उर्दू शायरी का मुताला और सौदा की हुजू, ये नज़में काबिल ज़िक्र है। इनके मुताले से अंदाज़ा होता है कि वो नफ्सियात की मुबादियात से तो यकीनन वाकिफ थे, लेकिन इस इल्म पर गहरी नज़र नहीं रखते थे, इसलिए कोई ख़ास तनखीदी कारनामा अंजाम नहीं दे सके। इन्हें उर्दू का पहला नफ्सियाती निगार कहना गलत होगा। अगर ये कहा जाए कि वहीदुद्दीन सलीम की नफ्सियाती तनखीद पहला तनखीद निगार, तो कह रहे हैं कि भाई ये गलत होगा। क्यों? तो भाई इनके पास नफ्सियाती तनखीद के तो अच्छे नमूने तो मिल जाते हैं, लेकिन अव्वलिन तनखीद नफ्सियाती तनखीद निगार का लखब देना यहाँ पर मुश्किल है, गलत बात है। सलीम के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसुआ ने उर्दू शेर व अदब को इल्म नफ्सियात के वसीले से समझने की कोशिश की। उन्होंने यूरोप के नफ्सियाती तनखीद निगारों की तरह शेर व अदब के तजुर्बे में तहलील नफ्सी को एक कामयाब हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ नज़मों के मुलायम अलायम व इशारात को नफ्सियात के जाबे से जांचा और परखा। इनके ये मजामीन मुख्तलिफ रिसालों में और फिर इस नज़म में के नाम से किताबी सूरत में शाये हुए। किताब का नाम ही है इस नज़म में, किताब का नाम है, इसमें भी उन्होंने नफ्सियाती तनखीद के मुताल्लिक बात की है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसुआ, जो बहुत उर्दू के बहुत बड़े नावल निगार हैं, जिन्होंने उमराव जान अदा जैसा नावल तहरीर किया, उन्होंने नफ्सियाती तनखीद के मुख्तलिफ नमूने भी अच्छे पेश किए हैं। और उनके ये मजामी जो है इस नज़म में के उनवान के तहत शाये भी हुए हैं। नफ्सियाती तनखीद के उसूल मुबाहिस पर उर्दू में रियाज अहमद ने भी काबिल क़द्र काम किया। इस मौजू पर इनकी कई किताबें और मजामीन हैं। दूसरा अहम नाम प्रोफेसर शबीउल हसन का है, जिन्होंने नफ्सियाती तनखीद की अहमियत के साथ साथ इसकी कोताहियों का भी तफसील से जायज़ा लिया है। मतलब हम जब मशरिक की बात की जा करते हैं तो वहीदुद्दीन सलीम का नाम आएगा इसमें, इसके अलावा मिर्ज़ा हादी रसुआ का नाम आएगा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रियाज अहमद और प्रोफेसर शबीउल हसन, इन लोगों का नाम आता है जिन्होंने नफ्सियाती तनखीद में कुछ ख़ास और अहम काम अंजाम दिए हैं। हमने यहाँ पर इनके मुख्तलिफ बातों के खूबियों और खामियों का भी इन शब्दों में सब जिक्र किया है कि नफ्सियाती तनखीद में कौन सी खामियाँ हैं और कौन सी खूबियाँ हैं। तो इस तरीके से हमने मुख्तलिफ लेक्चर के ज़रिए, दो तीन लेक्चर्स के ज़रिए नफ्सियाती तनखीद को समझने की कोशिश की है। और हमने देखा है कि फ्राइड ने, एडलर ने, जोंग ने, रिचर्डसन और ऑर्डर जैसे मगरबी तनखीद निगारों ने नफ्सियाती तनखीद में बहुत अहम काम किए, और उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से नफ्सियाती तनखीद को समझने, परखने और उस पर बेहतर तरीके से काम करने के मुख्तलिफ राय उन्होंने पेश किया है। इसके अलावा मशरिक़ की जब बात करते हैं तो वहीदुद्दीन सलीम, मिर्ज़ा हादी रसुआ, रियाज अहमद, प्रोफेसर शबीउल हसन जैसे मशरिकी नखादों ने नफ्सियाती तनखीद में एक अहम काम अंजाम दिया है। तो नफ्सियाती तनखीद के मुताबिक हमने यहाँ पर
तफसील के साथ में यहाँ पर देखा है कि नफसियात काउंसिल में किन किन बातों पर अहमियत दी गई है और कौन कौन सी बातों पर खासकर ध्यान दिया गया है। तो आज हम नफसियात काउंसिल को यहीं ख़त्म करते हैं और इस शामिल निसाब जो और दूसरे दबिस्तान तनफीद है उनका हम मुताला अगले लेक्चर में करेंगे। जब तक इसी को बात को समझते हुए इस पर गौर करना है, इस पर इम्तहानी नुक़्ते नज़र से भी अगर आप देखते हैं तो नफसियाती तनखीद पर एक सवाल ज़रूर रहता है कि नफसियाती तनखीद एक दबिस्तानी तनखीद में नफसियाती तनखीद पर मुख्तसर नोट लिखिए या नफसियाती तनखीद पर सैर हासिल तबसरा कीजिए। इस तरीके के मुख्तलिफ सवाल आ सकते हैं। तो हमें जितना भी हमने देखा ये तीन चार लेक्चर के अंदर नफसियाती तनखीद को उसी के ज़रिए हमें इन तमाम सवालों का जवाब देना है। तो खैर आज ही रुकते हुए हैं, इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं।